वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे में आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से संबंधित संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार इस प्रकार रहने वाले। तो दोस्तों, डेली इसी प्रकार के समाचार के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे के ऊपर। यानी कि ये संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार अगर आपने पढ़ लिए डेली, तो आपको पेपर पढ़ने का झंझट खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो राजस्थान से संबंधित किसी भी भर्ती से संबंधित न्यूज और शिक्षा से संबंधित न्यूज, टीचर्स से संबंधित न्यूज, इसी संपूर्ण जो शिक्षा जगत के समाचार है इनमें बताई जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और पास में बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार इस प्रकार रहने वाले हैं। CBSE का कोचिंग क्लास के प्रति कड़ा रुख। उदयपुर स्कूल में चल रही कोचिंग को बंद करे संचालक। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर राज्य जो ये प्रेस विज्ञप्ति है, PTI ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2018 के जो नॉन TSP क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 29 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देने के संबंध में ट्रिब्यूनल ने दिया शिक्षा मंत्री को नोटिस। महिला प्राचार्य को राजनीतिक प्रताड़ना का मामला बताया। हाईकोर्ट के आदेश से की थी शीघ्र सुनवाई। जयपुर संस्था प्रधान से सीधा संवाद करेंगे शिक्षा मंत्री। उदयपुर CTET की उत्तर कुंजी अगले सप्ताह जनवरी में परिणाम। केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर MA एवं MSc की प्रायोगिक परीक्षाएं 21 से। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में MA एवं MSc की भूगोल तथा वनस्पति शास्त्र की जो परीक्षा है वो 21 से। AAO परीक्षा का परिणाम घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी का परिणाम घोषित कर दिया है अजमेर। CBSE 11वीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से। टाइम टेबल जारी, 20 व 30 मार्च को होगी खत्म। विश्वविद्यालय परीक्षा का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि। MDSU अजमेर ऑनलाइन व्यवस्था के बाद लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर। विद्यार्थी परीक्षा से पहले दे रहे परीक्षा। कॉलेजों में मेले का सा माहौल। भीलवाड़ा फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि थी इसलिए प्रभावित हो रही है। निरीक्षण में गैर हाजिर मिले 18 शिक्षक। आत्मरक्षा एवं मार्शल आर्ट शिविर में पहुंचे CBO यादव कोटड़ी। साइकिल वितरण योजना बालिकाओं के लिए किसी उपहार से कम नहीं। शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि से बच्चों का होगा विकास। अधिकारियों ने किया प्रशिक्षण निष्ठा का समापन का निरीक्षण। कुचामन सिटी RU दीक्षांत समारोह कल, तैयारियां पूरी। आज होगा पूरा अभ्यास, ड्रेस कोड में आएंगे छात्र शिक्षक। जयपुर मेट्रो में 39 पदों पर होगी सीधी भर्ती। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 39 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। अब ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ होगी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। जयपुर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा दूसरे दिन भी हंगामा। सीजन का सबसे सर्द रात में 2 बजे सिविल लाइन से धरने से उठाया गया तो अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर बैठ गए। जयपुर इंजीनियरिंग परीक्षा में जांच के लिए अब फ्लाइंग टीम को ₹200 मिलेंगे। नकल रोकने के लिए RTU का फैसला। जयपुर RPSC सहायक कृषि अधिकारियों की का परिणाम जारी, 550 अभ्यर्थी सफल। CTET जल्दी जारी हो सकती है आंसर की। महिला बाल विकास परीक्षा से लेकर दस्तावेज सत्यापन तक हो गया पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। जयपुर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 9000 शिक्षक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जल्द ही 9000 शिक्षक मिल सकेंगे, ये संभव होने जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 2018 की RPSC द्वारा जारी की जा रही काउंसलिंग पूरा होने के चलते। सहकारी बैंकों में आज होगी सहायकों के लिए परीक्षा। अपेक्स बैंक की केंद्रीय सहकारी बैंकों के विभिन्न समग्र जो संवर्ग हैं उनमें 715 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन जो परीक्षा आयोजित हो रही है। RU का दीक्षांत समारोह 19 को।
स्टेनो प्रोग्राम में वरिष्ठ प्रबंधक पदों के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा। गांधी जी का 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है। UGC का आदेश के बाद MLSU, MPU-AT, GGTU के दीक्षांत समारोह में खादी को नहीं दिया जा रहा प्रोत्साहन। पटवारी भर्ती में जरूरी वह होगा RSCIT। राज्य में डिजिटल ज्ञान आधारित समाज युवाओं के निर्माण के लिए RSCIT की जो जरूरत है पटवारी में इन्वायरी कर दिया गया है। DRDO में MTS के 1817 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2020 तक। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DMRC में निकली कई पदों पर भर्ती, 13 जनवरी तक करें आवेदन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में UPSC में निकली ऑफिसर पदों पर भर्ती, 2 जनवरी तक करें आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग में जो ऑफिसर समर की भर्ती निकाली गई है। CIEL में 1326 पद भरे जाएंगे, 19 जनवरी तक लिए जाएंगे आवेदन। समसामयिकी के सवाल, नागरिकता विशेष सूची में किस सूची में आता है ये आप पढ़ सकते हो। सवाल, मेडिकल कॉलेज में 20% छात्रों की हाजिरी कम, पिछले सत्र में भी ऐसे 36 स्टूडेंट को चेताया था। भीलवाड़ा बनेड़ा में 74 शिक्षक ले रहे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। बनेड़ा भामाशाह और शिक्षकों के विद्यार्थियों का स्वेटर वितरण किए। परीक्षा फॉर्म भरते समय याद आई मार्कशीट, 2 दिनों में 2000 मटी, 9000 तो अब भी बाकी। MDSU परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि आज। परीक्षा फॉर्म भरा तो पता चला गांधी दर्शन विषय भी है। कक्षाएं नहीं लगी तो भी देनी होगी परीक्षाएं। MDSU मतदान बढ़ाने में देश के टॉप 5 जिलों में अलवर हुआ शामिल। निर्वाचन आयोग आज देखेगा फाइनल प्रेजेंटेशन। अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल 58 विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे मेडल। अलवर दौसा में शिक्षा विभाग के 4 दफ्तर छोटे मोटे कामों के लिए लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। दौसा शिक्षकों को गुणवत्ता प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के दक्ष में प्रशिक्षणों ने सिखाए गुर। दौसा नामांकन बढ़ा, परिणाम भी श्रेष्ठ, अब शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। कंप्यूटर टंकन परीक्षा के लिए आवेदन अब 15 तक मांगे। धौलपुर प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान के आदेशानुसार मृत राज्य कर्मियों का अनुकंपा नियम 1996 के अंतर्गत 2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों का टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने में एसपल प्रिंसिपल के APO आदेश पर ट्रिब्यूनल की रोक, शिक्षा मंत्री निदेशक को नोटिस। सीकर स्टेट ओपन के विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम 25 से। सोजत शिक्षक के स्कूल में ड्रेस 1.5 लाख रुपए से बनवाया प्रेस द्वार। CDEO ने स्कूलों के निरीक्षण के साथ देखी आत्मरक्षा प्रशिक्षण की क्लास। कुक कम हेल्पर के समर्थन में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, हड़ताल की चेतावनी बाड़मेर। तो दोस्तों ये थे आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टुडे पर, और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ डेली, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जगह ऐसी होती है जहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता है लेकिन मोबाइल सबके पास होता है, तो ये न्यूज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे कहते हैं डेली रोजगार एक्सप्रेस, डेली न्यूज़ एजुकेशन है ये जो एजुकेशन न्यूज़ है वो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।